इंडियन एयरफोर्स के दो जाबाज पायलट विंग कमांडर एम राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य बाल 10 दिन पहले MiG-21 फाइटर जेट में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये उड़ान इन दोनों शेरों के लिए केवल एक ट्रेनिंग था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया और इंडियन एयरफोर्स के ये दो बहादुर सैनिक शहीद हो गए। आपको बता दें, MiG-21 को 1960 के दशक में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था, और जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध चल रहा था तो उस समय MiG-21 एक अहम भूमिका निभाया था, लेकिन समय के साथ MiG-21 पुराना हो गया। MiG-21 अब ज्यादातर हादसों का शिकार होते जा रहा है, इसलिए इसका नाम उड़ता हुआ ताबूत रखा गया है। लेकिन अब अच्छा यही होगा कि MiG-21 को इंडियन एयरफोर्स से निकाल दिया जाए और इसके जगह पर राफेल को ज्यादा मात्रा में खरीदा जाए।